वो तो उसकी वीडियो आएगी ना, सारी वीडियो फुटेज आएगी, उसके बयान आगे मरने वाले के, तो अब भी कोई शक है सरकार को? वो तो आगे के तेल कौन लेके गया, पेट्रोल वहां से कितने का लिया, 50 रुपए का पेट्रोल लिया, अपने आप उसने आग लगाई, वहां के आसपास के लोगों ने आग बुझाई और बताया, उसने बयान दिए, तो उसकी जांच हो जानी चाहिए। हमें दुख है कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। कोई अपने घर से दुखी है तो वो पूरे परिवार को ही दुख होता है, उसको हमको भी दुख है कि किसी ने इस तरह से सुसाइड करा है। लेकिन कोई सुसाइड करें और उसका एलिगेशन किसान संगठन पर लगावे तो वो गलत है, उसका हमको ऐतराज है। और SSP को वहाँ के सारे कागज सारे वे चीजें दे दिए उनको, आप वो करें सार्वजनिक के हाँ मुझे मिलेगी, या इतने दबाव में काम करते हैं क्या अधिकारी भी? तो अभी तक कितने किसान नेताओं के ऊपर केस रजिस्टर्ड होते रहे तो आंदोलन होगा भाई, केस वो तो होंगे। इस वाले मामले में तो नहीं हुई है, और उन्होंने ये कहा कि और की गिरफ्तारी नहीं होगी। एक लड़की वाला मामला था, उसमें हम लड़की के परिवार के साथ में, उसके पिताजी ने जो केस रजिस्टर करवाए उसके साथ में हमेशा पूर्ण रूप से पैसे से भी उससे भी उनके रुकने के, वो यहाँ पे भी आए थे 2 दिन पहले, हम सब साथ में, वो परिवार के साथ में, उसमें गिरफ्तारी हुई है, पुलिस प्रशासन अपना काम करेगी। आपने कहा कि किसानों से आह्वान किया है कि ट्रैक्टर बांध लो, सारे सामान बांध लो, जमीन दे, और किसानों को और आंदोलन तेज करना पड़ेगा, तो क्या दिल्ली नहीं नहीं जमीन बेचने की कोई बात नहीं, जमीन बचानी है तो आंदोलन में आना पड़ेगा। आंदोलन का मतलब ये कि आंदोलन पर निगाह रखो, दिल्ली आते जाते रहो, अपने खेत पे भी निगाह रखो, और दिल्ली की तरफ को मुंह करके रखो ट्रैक्टरों का, कभी भी आना पड़ सकता है। तो क्या ट्रैक्टर से फिर दिल्ली की तरफ? हाँ तो दिल्ली में नहीं, दिल्ली में क्या करेंगे, घुस गए दिल्ली में, जब घुसने की थोड़ा दिल्ली में तो कह के जाएंगे जब जाएंगे, अभी तो नहीं दिल्ली का कोई प्लान, अभी तो मोर चुका है। जैसे यहाँ पे भी 25 तारीख में आएंगे लोग, तो 26 तारीख में यहाँ पे रहेंगे, तो ये रहेगा। अभी आंदोलन का रूपरेखा क्या होगा? आंदोलन का रूपरेखा, ये हरकत करेंगे तो हमको उससे ऐतराज है। अभी वहाँ पे चंडीगढ़ में अभी सुबह ही वहाँ मोर्चा लगा हुआ था, एक वो उसी दिन से मोर्चा लगा था मटका चौक पे, वो सेक्टर 17 थाना का जो पुलिस है वो वहाँ से सुबह ही एक बाप वहाँ बैठे हुए थे, 2 आदमी थे अपने, मतलब फोर्स आकर 100 आदमी आओगे और उसे 2 आदमी को उठा कर ले जाएंगे, थाने में बंद करेंगे, पूरा टेंट तोड़ेंगे, तो ये क्या करना चाहते हैं भाई? उनको छोड़ दे, जो वहाँ शांतिपूर्ण तरीके से हमारा प्रदर्शन चल रहा है चंडीगढ़ में, वो हमारा ऐसे ही चलता रहेगा। जो वे शाम के टाइम वहाँ पे करते हैं, वो 4-5 बजे से 6-7 बजे तक वो प्रदर्शन करते हैं उसी चौक पे, वो उसी दिन से कर रहे हैं, सब लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं, जब लोग ऑफिस से अपने घर जाते हैं तो वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, फिर अपना चले जाते हैं। तो ऐसे ही वाक्य चलता रहेगा। अगला प्रोग्राम ये है कि 26 तारीख को गवर्नर के वहाँ लोग जाएंगे, हर स्टेट में गवर्नर है या LG है, दिल्ली में LG के यहाँ पे जाएंगे, यहाँ के बताया कि दिल्ली में LG के यहाँ जाएंगे, और जगह गवर्नर के यहाँ जाएंगे, लोग जाएंगे, उनको ज्ञापन देंगे, उनसे मिलेंगे, उनसे हमारा टाइम करवा दो, हर जगह गवर्नर का टाइम करवा दो, 5-6 आदमी कोविड का हुए तो 5 आदमी हमारे चले जाएंगे, उनको ज्ञापन देंगे, अपनी बात कहेंगे। हर प्रशासन की जिम्मेदारी है कि टाइम करवा दो, तो टाइमली हमारा प्रदर्शन भी हो जाए, उन्हें मुलाकात भी हो जाए, सब लोग अपने घर से शांति से आ जाए। भाई अगर सरकार नहीं सुन रही तो गवर्नर और राष्ट्रपति बड़ा होता है, तो सरकारें नहीं सुनती तो उनको तो अपनी बात कहेंगे ना, गवर्नर के माध्यम से कहेंगे अपनी बात। तो दिल्ली में LG के लिए यहाँ के पुलिस को बता दिया, LG को तो नहीं, इन्हीं से ही कहेंगे हम पुलिस प्रशासन से कि उनसे टाइम करवा दो, जो दिल्ली की जो यूनिट होगी वो उनसे मिलेगी, यहाँ से कोई नहीं जाएगा, जो दिल्ली के अपने लोग होंगे, वीरेंद्र डागर हैं और लोग अपनी यूनिट है, तो वे लोग वहाँ पर चले जाएंगे, 5 आदमी अपना जाएंगे सब जगह, 5-11 आदमी जो भी वो करेंगे कोविड की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, उतने ही लोग उनसे मिलेंगे, हमारा टाइम करवा दो सब जगह, भाई सब जगह ये कर दो कि 12 से 1 बजे तक का टाइम है,
तो उसी टाइम पर चले जाएंगे, लोग इकट्ठे भी हो जाएंगे, उनसे मीटिंग भी हो जाएगी, लोग अपने वापसी भी आ जाएंगे। तो क्या राष्ट्रपति से अभी नहीं, पहले गवर्नर से, और उसके बाद में नहीं होगा तो फिर उनसे भी देखेंगे, वो संयुक्त मोर्चा तय करेगा पूर्ण रूप से। उधर से कृषि मंत्री ने कहा है कि फिर ये उसके कानूनी प्रावधान पे बात होगी, बिल वापसी की कोई बात नहीं होगी। लेकिन और पर जिस काम में लग जाए तो उसका तो इलाज हो जाए, वो किसी के बालक को देखने चले जाओ वहाँ पे, भाई लड़की की शादी करनी उसके घर पर गया, बढ़िया काम धाम है, और वो ये कह दिया भाई और तो सब ठीक है, जमीन जायदाद बढ़िया, फैक्ट्री बढ़िया, पर ठीक है तुम कर दो, पर लगी तो करने का ही नहीं। एक बार ही तो कह दो ना, तुम्हें जैसे पिक्चर में कह रहे हूँ तो ठीक है, थोड़ी सी पी ले शाम को, तो ये जो लग गई ना, लेकिन जो लग गया, और जहाँ जो उनका काम में लेकिन लग गया और पर लग गया, वो तो होना ही नहीं। यहाँ तो बिल्कुल प्लेन पेपर की तरह बातचीत होगी, जब भी होगी सरकार को जब बात करनी हो, अभी तो 7 ही महीने हुए, कोई ज्यादा टाइम थोड़ा हो गया, 7-8 महीने हुए, और चलन दो ऐसे अभी, हाँ सर्दी आ जाएगी तो सर्दी में देख लेंगे, बात कर लेंगे। तो अगर सरकार बुलाती है हाँ जाएंगे, लेकिन पर वाले में नहीं जानेंगे। हाँ ये तो बिल्कुल गांव के लोगों ने मने करा हमें कि जहाँ पर लग गया, लेकिन लग गया, परंतु लग गया, उसमें मत जाइयो। हाँ तो रास्ता कैसे निकलेगा, सरकार अपने जगह जमीन है, आप लोग अपने जगह आंदोलन और तेज कर रहे हैं? निकल जाएगा 2024 में, निकल जाएगा, हाँ निकल जाएगा 2024 तक, इनका इलाज कर देंगे हम, हमें मिल गई इनकी दवाई, मिल गई कि कौन सी दवाई इन पर काम करेगी, वह दवाई ढूंढ ली, कुछ तो बंगाल से मिली, जड़ी बूटी मिली वहाँ से कुछ, हाँ जड़ी बूटी मिली, वो आराम करेगी इनको, कुछ उत्तर प्रदेश में भी काम करेगी, वो अलग अलग जगह काम करनी पड़ेगी, क्योंकि जो क्लाइमेट जोन है ना, अलग अलग जोन है क्लाइमेट जोन, तो कहाँ पे कौन सी दवाई काम करेगी वो पता चल गया, कुछ बंगाल से मिली, कुछ यूपी से मिल जाएगी, कुछ उत्तराखंड से मिल जाएगी, वहाँ हिमालय से मिलेगी कुछ दवाइयाँ, वो देंगे ना, 3 साल का इनका कोर्स है, क्योंकि इनका दिमाग ख़राब है, तो दिमाग ख़राब वाले का आदि वही उनका सिलो सिलो इलाज होगा, उनका धीरे धीरे इलाज होगा, ठीक पक्के हो जाएंगे ये, गांव के लोगों ने ये बताया कि ठीक हो जाएंगे, देसी दवाई से काम चलेगा, लेकिन धीरे धीरे इलाज करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं एक बार डोज नहीं देने के, थोड़ा थोड़ा देंगे, आराम मिलेगा ना 2024 तक, इनको पूरा आराम मिल जाएगा सरकार को, ये कहा गांव के लोगों ने। आपने आज एक ट्वीट बढ़ रहे हैं, पहले हाँ बढ़ रहे हैं, ये तो यात्राएं चलेंगी, ये अभी एक यात्रा 24 तारीख में शुरू होगी, वो 25 की रात के आ जाएगी यहीं, 26 में ही रहेगी, 27 में फिर यहाँ से वापसी चले जाएंगे, फिर दूसरी यात्रा फिर शुरू होगी, वो 4 दिन लेगी, जैसे अभी बुलंदशहर से आई, तो ऐसे लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, आते रहेंगे जाते रहेंगे, क्योंकि उनको भी ट्रैक्टर का दिल्ली का रास्ता ना भूल जाए ट्रैक्टर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।